हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बच्चों का दूसरा दिन है और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बच्चे अपनी माँ को कैसे दूध पीते हैं और हमें क्या केयर करनी पड़ती है ये सब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और फ्रेश होने के बाद अभी फीमेल को हम उनके बच्चों के पास छोड़ देते हैं। उसकी जगह वगैरह हमने सब साफ करके बिछाना वगैरह रेडी कर दिया है उसका। अभी टाइम है उसको बच्चों को उसके पास देने का, लेकिन उससे पहले अभी हमारा टाइम है फीमेल को भी साफ करना होता है। तो अभी रात भर बच्चे उसके पास थे तो उन्होंने रात भर वो जो दूध पीते हैं तो उसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह नहीं फैलेंगे, इसलिए सुबह और शाम दो टाइम गर्म पानी लेना है और अच्छे से साफ कपड़े से वो सब साफ कर देना है। उधर का वो सब वीडियो में जैसे आप देख रहे हो वैसे साफ करना होता है सब। सुबह और शाम दो टाइम ये कोमट पानी लेकर वो सब साफ करना होता है उसका। उसमें से अच्छे से निपल्स वगैरह वो सब क्लियरली साफ कर दो, इससे थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह नहीं फैलेंगे और दिन भर भी अब बच्चे मिल्क पी लेंगे उसकी तो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चों को भी नहीं और फीमेल के निपल्स को भी इन्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए साफ करना होता है सुबह और शाम। तो दिन में करना ही होता है साफ ये सब, क्योंकि जब बच्चे मिल्क पीते हैं तो मिल्क पीने के बाद वो थोड़ा सा मिल्क बाहर आके इधर उधर फैल जाता है और उसके मक्खी या कुछ भी बैठ जाता है, कीड़ा वगैरह बाहर का कुछ भी मिट्टी वगैरह लग जाता है इधर उधर का, तो उससे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, इसलिए साफ क्लियरली करना होता है। सब जगह पर अच्छे से क्लियरली साफ कर दो, ऊपर से फीमेल को भी साफ कर लेंगे उसका, वो दोनों पैरों के बीच में भी अच्छे से साफ कर लेना है, ऊपर से आँख में और कान भी थोड़ा सा साफ कर दो क्लियरली। और साफ करते टाइम पानी में कुछ भी मतलब डेटॉल या कौन सा भी लिक्विड नहीं यूज करना है, सिर्फ खाली पानी कोमट पानी गर्म थोड़ा सा पानी लेके साफ करना है क्लियरली, कुछ भी पानी में नहीं इस्तेमाल करना है कौन सा भी लिक्विड। ये सब होने के बाद अब एक एक बच्चे को एक एक निपल्स को चिपका देना है, एक एक निपल को एक एक बच्चे को चिपका दो, बाद में वो छूट जाएगा उधर से की तरफ भागेगा तब भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप फीडिंग के लिए छोड़ देंगे फीमेल के पास तो एक एक बच्चे को छोड़ दो, इससे क्या होगा सब बच्चों का पेट भर जाएगा आराम से, वैसे भी वरना आप वैसे ही छोड़ देंगे उनको तो उनको वो समझ में नहीं आता कि किधर होता है क्या होता है, तो इसकी वजह से कुछ बच्चों का पेट नहीं भरेगा, कुछ बच्चे जाके पी जाएंगे और क्यों कोई किसी बच्चों को ज़्यादा मतलब पकड़ने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप उधर चिपका दो एक बार वो पी लेंगे, पीने के बाद आराम से फिर बाद में वो इधर उधर घूम जाएंगे किधर भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप छोड़ दो बाद में वो तो आराम से पी लेंगे। और एक बात की फीमेल के सभी मतलब निपल्स को बच्चों को चिपका दो,
कौन सा भी निप्पल्स ऐसे इधर उधर मत छोड़ो, सब निप्पल्स को चिपका दो। फीमेल का जो मिल्क होता है वो सब भी निप्पल्स का खाली होना चाहिए मिल्क। वो बच्चे सब निप्पल्स को चिपकाना इसलिए ध्यान हमें ध्यान रख करना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि फीमेल्स के कौन से भी एक निप्पल्स में दूध रहेगा तो वो अच्छा नहीं रहता, वो सब दूध निकलना भी ज़रूरी होता है फीमेल का भी। इसलिए एक साइड पीने के बाद फिर से फीमेल को दूसरी साइड सुला लेना है और दोनों साइड्स का दूध बच्चों को पीने को देना है और सभी निप्पल्स बच्चों को देना है पीने के लिए। ऐसे ही उनके पास माँ के पास उसके बच्चों को छोड़ देना है और दिन में दोपहर में क्या करना है, थोड़ा बच्चों को अलग कर देना है उससे और उसको थोड़ा आराम करने के देना है। क्या होता है इससे कि थोड़ा बच्चों का भी मतलब डाइजेस्ट हो जाता है जो मिल्क पीते हैं वो, एक ज़्यादा नहीं एक घंटे तक उसको अलग करके रख देना है। इससे बाद में जब वो फीमेल के पास जाएंगे तो अच्छे से वो मिल्क पी लेंगे और ज़्यादा टाइम उसके पास रहेंगे तो बार बार पीने की वजह से उनको थोड़ा मतलब भूख नहीं लगेगी जल्दी, तो थोड़ा सा एक घंटे के लिए उनके पास से अलग कर दो बाद में और फिर बाद में उसके पास फिर से छोड़ देना है। इससे थोड़ा फीमेल को भी आराम मिल जाएगा और वो भी आराम से सो लेगी दोपहर में थोड़ा टाइम, वरना ये उसके पास रहते हैं तो उसको पूरा नींद लेने को नहीं आता है क्योंकि ये इधर उधर जाते हैं चिल्लाते हैं तो उसकी वजह से फीमेल भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा दोपहर में एक घंटे तक इनको ऐसे कैरेट में रखो, एक ऐसा कैरेट बनाना है और उसमें रख देना है उनको, वो भी सो जाते हैं आराम से। एक बार मिल्क पी लेंगे तो उसके बाद वो सो जाते हैं आराम से, वो परेशान नहीं करता है। फिर दोपहर को आराम करने के बाद फिर से बच्चों को उसके पास छोड़ देना है और फिर शाम को उसका वो सब साफ करने के बाद फिर से वो सब पेट वगैरह उसका सब साफ करने के बाद फिर से रात को उसको पास ही रख देना है, बच्चों को अलग नहीं करना है। और फिर रात को बीच बीच में उठकर देखना है कि कहीं बच्चा उसके आँख के नीचे नहीं जाता या किधर उधर दब तो नहीं जाता, ऐसा वो ध्यान में रखना पड़ता है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होता है बीच बीच में उठकर। तो रात को थोड़ा आपको पॉसिबल रहेगा तो उठकर देखो कि 10 दिन ही होता है जब उसका आँख खुल जाएगा, उतने दिन ही उनका केयर करना पड़ता है। जब बच्चों का आँख खुल जाएगा उनको दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहती बाद में, 10 दिन ही केयर करना पड़ता है ज़्यादा उनका, तो इसलिए रात में भी बीच बीच में उठकर देखो और उनके ऊपर थोड़ा केयर करो और अच्छे से ध्यान भी दो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, थोड़ी शरारत देखो मैं बच्चों की, ये देखो कैसी केयर कर रही है अभी उसकी पप्पी की, अभी लास्ट तक देखो वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग है अभी इसके आगे का वीडियो अभी तो अभी देखो वीडियो में क्या क्या कैसे करते हैं ये।
पूरा उल्टा पुल्टा करके उसको साफ कर रही है। अच्छा लगा मुझे ये वीडियो। तो चलिए बस इतना ही था आज की वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो आपको अच्छा अच्छा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।